दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। फ्रेंड अभी तक हमारा ये पांचवा लेक्चर चल रहा है और इसके अंदर हम यूपीएससी से रिलेटेड इकोनॉमिक को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक के चार लेक्चर्स के अंदर हमने थोड़ा सा बेसिक्स को थोड़ा सा जाना था। आज के लेक्चर्स में भी थोड़ा सा हम कंसेप्ट्स क्लैरिटी के पीछे भागेंगे क्योंकि 2018 का अगर पेपर को थोड़ा सा देखें तो कंसेप्ट बेस्ड इकोनॉमिक के तौर पे क्वेश्चंस निकल के आए हैं, तो इसके अंदर भी हम कंसेप्ट्स के साथ लड़ेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद एक और वीडियो बनेगी, वो भी कंसेप्ट बेस्ड होगी। फिर उसके बाद हमारा धीरे धीरे एक बोल सकते हैं स्मूथ टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे। ये लेक्चर्स अभी हिंदी में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। फ्री लेक्चर्स कंप्लीट जब होंगे तो उसके बाद फिर हम ये इन्हीं क्लासेस को हम इंग्लिश में ही स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो टॉपिक को जो आज हमें पढ़ना है, हमें दो बातों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि मैंने आपको, अगर आप लास्ट लेक्चर्स के बारे में देखें तो वहां मैंने आपको लैफ के बारे में समझाया था जिसको बोलते तरलता समायोजन सुविधा। यानी कि अगर लैफ के बारे में बात करें तो हमने आपको तरलता समायोजन सुविधा के बारे में थोड़ा सा समझाया था, तो उसी को आज लैफ के साथ साथ आज हम MSF यानी कि इसको बोलते हैं मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत ऋण सुविधा को आज हम अच्छे से थोड़ा समझेंगे, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं और एक कंसेप्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लैफ को हमने अच्छे से समझा। लैफ क्या होता है, बैंक रेट, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, वो पीछे वाले लेक्चर्स में आप देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है आज MSF यानी कि मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज, जिसको हम हिंदी में सीमांत ऋण सुविधा के तौर पर भी जानते हैं। देखिए होता क्या है एक्चुअली, ठीक है बैंक जो है RBI रेपो रेट लेके आया, रिवर्स रेपो रेट लेके आया, लेकिन ये सीमांत ऋण सुविधा आखिर है क्या? देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे ये होता है कि कभी कभी बैंक्स को ना, अब देखिए एक बैंक को लेट सपोज एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अब SBI है। अब SBI की ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो काफी ज्यादा ब्रांचेस है। आप देख सकते हैं बिगेस्ट के तौर पे हमें देख सकते हैं कि बिगेस्ट बैंक के तौर पे इंडिया के अंदर SBI ही देखने को हमें मिलता है। तो जब ये लोग क्या करते हैं कि एवरीडे की बेसिस पे कैलकुलेशन लगा के कि कभी कभी क्या होता है कि इनको कभी कभी पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो फिर ये लोग डायरेक्ट अब कहां जाएंगे भाई? इनके ऊपर तो RBI बैठा हुआ है, इनके ऊपर तो RBI बड़े, बाकी तो सारे के सारे बैंक्स हैं, चाहे वो SBI हो, HDFC हो, ICICI हो, PNB हो, कोई भी बैंक हो। तो उसके फिर SBI ही RBI के पास जाता है कि ठीक है भाई मुझे कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे दीजिए, और क्योंकि रिवर्स रेपो रेट के अलावा भी जब उनको इस चीज की फैसिलिटी जब कम पड़ती है तो फिर वो RBI के पास चले जाते हैं। ये तो यहां पर क्लियर हो गई। तो RBI भी ठीक है, RBI भी मैं कह सकता हूं कि हाँ ठीक है दे देता है, क्योंकि उनको पता है कि ना अगर नहीं देंगे तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस के तौर पे देखने को मिलेगा, तो जिस वजह से RBI भी इनको देने की जो है बोलता है ठीक है ले लो, कोई इश्यू नहीं है। तो उसी चीज को ओवरनाइट इसको एक वर्ड के तौर पे समझ सकते हैं कि सीमांत जो MSF है उसको हम ओवरनाइट के तौर पर हम एक तरह से लोन फैसिलिटी स्मॉल टर्म में इनडायरेक्टली हम लोन टर्म की तरफ हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि हाँ कि SBI जो है RBI से इन शॉर्ट में वेरी शॉर्ट पीरियड लाइक 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे बस इससे मैक्सिमम वीकली अगर बात करें तो उसमें एक फैसिलिटी RBI दे देता है इनको, उनको पैसे करा देता है। एक तो ये कंसेप्ट था इसका ओवरऑल अगर बात करें, लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे जो मैंने अभी तक समझाया। क्वेश्चन थोड़े डेप्थ में बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनाता है यूपीएससी के 2018 का, आप देखें तो आपको खुद लगेगा कि चीजें आते हुए ही नहीं हो पा रही है, दो ऑप्शन में उलझ जा रहे हो कि इसका तुक्का 3 मारो या 4 मारो, दोनों ही ठीक लग रहे हैं मुझे तो, राइट? ये सबके साथ होता है फ्रेंड, ये ऐसी कोई ये ट्रुथ के तौर पर बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर अतिरिक्त रेपो रेट की सुविधा उपलब्ध शुरू करी गई, यानी कि इसके अंदर अगर बात करें अतिरिक्त रेपो ऋण की सुविधा जो है उपलब्ध शुरू करी गई, जिसको हम सीमांत ऋण सुविधा के तौर पर हम जानते हैं। पहली बात तो यहां पर क्लियर हो गई। फिर एक तरह से देखें तो ये अल्पकालीन सुविधा के तौर पर देखने को मिलता है, यानी कि अल्पकालीन जिससे व्यापारिक बैंक तरलता की कमी को पूर्ण करने के लिए रिजर्व बैंक से लेता है। इसके अंदर व्यापारिक बैंक, आई रिपीट अगेन, व्यापारिक बैंक दोस्तों वो बैंक होते हैं जो RBI एक्ट 1949 के तहत जो डाले गए हैं, यानी जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से अनुसूचित बैंक के तौर पर भी जाने जा सकते हैं, कि आप ये भी बोलोगे कि ये अनुसूचित बैंक है। अब इसके अंदर सभी बैंक नहीं, इस चीज को याद रखिएगा कि
एमएफ के अंदर यानी मार्जिन सेटिंग फैसिलिटी के अंदर सभी बैंक्स नहीं, इस चीज को दिमाग से लगाइएगा, सिर्फ ओनली अनुसूचित बैंकों को ही ये फैसिलिटी जो है दी जाती है। ऐसे नहीं कि लेट्स सपोज चोलामंडलम डीबीएस आ जाए, या फिर अगर बात करें तो ये सिटी फाइनेंस आ जाए, तो नहीं, उनको इस चीज की फैसिलिटी एमएसएफ की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। उनको लैब दिया जाएगा लेकिन उनको एमएसएफ नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज को जरूर आपको यहां पे याद रखना है, यानी कि बैंक तरलता की कमी से पूर्ण करने के लिए रिजर्व बैंक से लेता है, यानी कि जो भी पैसा शॉर्टफॉल होगा विद इन शॉर्ट पीरियड के लिए, तो फिर जब व्यापारिक बैंक यानी कि अनुसूचित बैंक जो होंगे वो आरबीआई के पास जाके जो है पैसा ले लेंगे। इस पर ब्याज की दर रेपो रेट से 1% ऊंची होती है। देखिए अब एक कंसेप्ट यहां पे है, देखिए हमने समझा था रेपो रेट इससे लास्ट वाले वीडियो में, अब 1% से ऊंची क्यों रखी, आखिर वाई दे पुट सम 1% एक्स्ट्रा ऑन पर्टिकुलर एमएसएफ, आखिर वाई, इसके पीछे रीजन यहां पे ये है कि देखिए एक तरह से प्लंटी के तौर पर आरबीआई लेता है। क्यों, वो आरबीआई ये कहता है कि ठीक है तुम्हारे को आती नहीं है, तुम अच्छे से अकाउंटिंग ही नहीं कर पा रहे, तुम्हारे सीए बकवास हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या कि शॉर्टफॉल क्यों हो रहा है। तो वो पलेंटी इसलिए लगाता है कि ताकि अगर सभी बैंक्स मांगने लग गए, लेट सपोज अभी एसबीआई आगे आया, उधर से पीएनबी आगे आ गया, उधर से एचडीएफसी आ गया, तो आरबीआई के पास भी तो लिमिटेड ही पैसा है, ऐसा तो नहीं कि वो दिन नोट छापेगा और सबको देता रहेगा, नहीं, तो पलेंटी के तौर पर वो फिर 1% एक्स्ट्रा यहां से उनसे जो ब्याज के तौर पर भी लेने की कोशिश करता है। पहली बार क्लियर हो गया होगा आई होप, इसी के कारण वो 1% जो है यहां पे लगाता है। फिर इस पर अगर बात करें जो इस पर जो ब्याज की दर जो होती है जो 1% होती है उसी को एमएसएफ दर कहते हैं, यानी कि सीमांत ऋण सुविधा दर के तौर पे भी इसको जाना चाहते हैं, जो भी 1% का जो भी ब्याज लगेगा। अब देखिए कितना है, 7%, 8%, 6%, दिस इज नॉट अ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम परसेंटेज याद रखें, नहीं, हमारे पास कंसेप्ट बेस्ड चीजें याद रखने की, हाँ उससे 1% ज्यादा लेगा और इसी को जो है हम सीमांत ऋण सुविधा के तौर पे हम इसको जानेंगे। फिर इसके बाद आता है यहां पर बैंक अपने एसएलआर कोटा के सरकारी प्रतिभूतियों को भी आरबीआई के पास रख सकती है। देखिए यहां पे ये होता है कि एमएसएफ मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर, यानी कि अगर बात करें सीमांत ऋण सुविधा के अंदर, जो एसएलआर का जो हमने देखा था स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेशियो को देखा था, उस कोटे से भी निकाल के प्रतिभूतियों को यहां पर जो है गिरवी आरबीआई के पास रख सकते। क्यों, अब ऐसा तो नहीं कि आरबीआई जैसे आप फोन करोगे और आरबीआई आपको पैसा दे देगा, नहीं, उसको भी डॉक्यूमेंटेड चीजें चाहिए। जब तक आप उसको कुछ चीजें गिरवी नहीं रख के दोगे, जब तक वो आपको एक पैसा एक ढेला आपको नहीं देगा, तो जिस वजह से यहां पे इस चीज को कंसेप्ट यहां पे भी इंपॉर्टेंट निकलता है कि इसमें एसएलआर कोटा जो है लगता है और उसके बाद जो है गिरवी रखा जाएगा जब भी जो उसको मिलेगा। लेकिन वैसे व्यवहारिक तौर पर जो लेटेस्ट ट्रेंड देखें आज के समय, अगर मैं 3 से 4 साल का अगर मैं द हिंदू का कंसाइज समरी निकालू आपको, तो वहां पे ये लगता है ठीक है ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बट आज के समय ये चीजें देखने को मिलती हैं कि वैसे रखती नहीं है आरबीआई, बोलती ठीक है इट्स ओके कोई नहीं हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो जिस वजह से यहां पे ये भी है कि व्यवहारिक तौर पर हमें ये भी चीज निकल के आती है कि ठीक है सरकारी प्रतिभूतियां के पास ये आरबीआई को रखनी होगी, लेकिन वैसे वो रखती नहीं है। ये व्यवहारिक ट्रेंड हमें यहां पे देखने को मिल रहा है आज के समय, जब से ये एनडीए की गवर्नमेंट जो सत्ता में आई। उसके बाद व्यापारिक बैंक जो है नकदी की कमी जो तब प्रयोग करते हैं, यानी कि जब नकदी की जब कमी होती है तो फिर ये आरबीआई के पास जाके सीमांत ऋण सुविधा के तौर पर ओवरनाइट फैसिलिटी के तौर पर निकालने की जो कोशिश करता है। तो मैंने एक अच्छे से कंसेप्ट को आपको बहुत बारीकियों से एक चीज को एक फैक्ट को दिमाग में रखा, आप इन नोट्स को एज इट इज बनाते चलिए, ठीक है लेक्चर्स लेट हो रहे हैं आई डू एक्सेप्ट इट, क्योंकि बीच में पीआईबी भी देखना होता है आप लोगों के लिए, काफी मेहनत कर रहे हैं हम लोग और एक लिमिटेड टीम है हमारे पास, बहुत छोटी टीम है, स्टार्ट होती खत्म हो जाती है, तो आप भी सब लोग समझ सकते हैं फ्रेंड, फ्री में हम एटलीस्ट काफी कुछ कर रहे हैं, मोटिवेट करते रहिए बस, वो कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है अभी तक हमारा अब जो एमएसएफ क्लियर हो गया, अब थोड़ा लैफ पे आते हैं। लैफ है क्या, तरलता समायोजन सुविधा। तरलता समायोजन सुविधा के अंदर हमने देखा था 3 चीजें देखी थी, आई होप आपने ये सब चीजें लिख ली होंगी, मैं इसको मिटाता हूं और आपको यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल्स के तौर पर चीजें थोड़ी समझाता हूं ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएं। तो इसके अंदर देखिए हमने जो लास्ट लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने ये चीज देखी थी कि लैफ एल एफ इसके अंदर हमने ये चीज देखी थी कि एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट और एक होता है आपका एमएसएफ, राइट। तो उसी चीज को एमएसएफ को हमने समझा दिया, अब इस ये कंसेप्ट है पूरा लैफ का, अब ये पूरा कंसेप्ट यहां पे आप लैफ आ रहा है, यानी कि
सरलता समायोजन सुविधा क्या होती है और सीमांत ऋण सुविधा आखिर होती क्या है, इसी चीज को जो हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लैफ यानी कि इसके अंदर कुछ रिजस कंसेप्ट आपको बेसिक डिफरेंशिएट जो है आपको पता होनी चाहिए कि देखिए लैफ में सभी व्यापारिक बैंक, सरकारी बैंक चाहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे आरबीआई से उधार ले सकती है। जैसे कि हमने रेपो रेट के अंदर देखा और रिवर्स रेपो रेट के अंदर देखा, हमने ये चीज देखी थी। इसके अंदर अगर आप डिफरेंशिएट करें तो रेपो रेट के अंदर भी देखा था और रिवर्स रेपो रेट के अंदर भी हमने ये चीज हमने देखी थी। इसके अंदर ये सारी की सारी जो उधार जो आरबीआई से जो उधार ले सकती है वो सारे ये जो ये जैसे कि व्यापारिक बैंक हो गया या सरकारी बैंक हो गया या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया या फिर सरकार हो गई या गैर वित्तीय संस्थाएं हो गई या फिर आरबीआई से ये उधार ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एमएसएफ की यानी कि सीमांत ऋण सुविधा के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर केवल अनुसूचित बैंक यानी कि अनुसूचित बैंक ही जो है ऋण ले सकते हैं, यानी कि उसके अंदर ये सारे बैंक जो है एलिजिबल यहां पे नहीं होंगे। हमें एक ये भी कंसेप्ट हमें देखने को यहां पे मिलता है। फिर इसके अंदर लैफ के अंदर अगर बात करें तो क्वेश्चन यहां से निकाले जा सकते हैं क्योंकि आज के समय 2018-2017 का थोड़ा ट्रेंड देखें तो अब यूपीएससी वर्ड्स में भी चीजें घुमा रहा है। वर्ड्स में मीन्स 5 करोड़ है 50 करोड़ कर सकता है, 5 लाख कर सकता है, 50 लाख कर सकता है, 5000 करोड़ कर सकता है, तो जिस वजह से अब ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लैफ के अंदर अगर कोई ऋण लेता है कोई बैंक या फिर कोई भी संस्था या फिर कोई गैर वित्तीय सरकार कोई भी अगर ऋण लेता है तो ध्यान रखिएगा इसकी जो मिनिमम उधार कम से कम उधारी 5 करोड़ से नीचे नहीं जाएंगे, यानी कि 5 करोड़ का कम से कम जो है इसमें उधार लेना पड़ेगा। इसी तरह एमएसएफ के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर मिनिमम जो है 1 करोड़ रुपए, मिनिमम 1 करोड़ रुपए फॉर द इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू अगर 1 करोड़ रुपए इसमें मिनिमम आप उधार लेते हैं। पर वैसे इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ मिनिमम है, पर जो मैक्सिमम जो उधार जो ओन एक ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड में 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ ये ट्रेंड देखने को हमें मिलता है, ये एक ऑफिशियल चीज है। इसी के जैसे फिर लैफ के अंदर इस चीज को याद रखिएगा कि एसएलआर के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का उपयोग जो है इसमें नहीं किया जा सकता। जो ये लैफ है जो रेपो है रिवर्स रेपो रेट है इसके अंदर बेसिकली अगर बात करें प्रतिभूतियां जो हमारी सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती है, प्रतिभूतियां आपको पहले भी बताया था मैंने कि एक तरह से देखा जाए सरकारी टुकड़ा होता है जो आम लोग खरीदते हैं बॉन्ड के तौर पे। सरकार ये बोलती है कि आप मेरे 1000 रुपए की चीज को अभी 900 रुपए में खरीद लो, बाद में हम आपसे 1000 रुपए में खरीद लेंगे। कहना मतलब ये कि अभी जो चीज 1000 रुपए की है गवर्नमेंट बोल रही डिस्काउंटेड रेट पे दे रही है आपको कि ठीक है 900 रुपए में ले जाओ, जो 100 रुपए जो 900 रुपए में ले जाओ फिर बाद में हम आपसे 1000 रुपए में वही चीज आपसे ले लेंगे। ये कैसे ये प्रतिभूतियां यहां पे देखते हैं तो इसके अंदर एसएलआर के रूप में प्रतिभूतियों का जो उपयोग यहां पे नहीं किया जाता, तो इस चीज को आपको आपने जो है याद रखना है। और इसके अंदर एसएलआर के रूप में जो स्पेशली जो है प्रयोग यहां पे किया जाता है। तो ये था एक ओवरऑल मैं कह सकता हूं कंसेप्ट, एक ब्रॉड कंसेप्ट कि लैफ और एमएसएफ में क्या फर्क होता है। काफी सारी डेफिनेशंस पढ़ने के बाद आपको एक कंक्लूजन के तौर पर मैं ये क्रीम पार्ट आपको लेके आया और आपने यही आपने पढ़ना है। मैं यहां पर एक चीज ये भी बोलूंगा कि ये लेक्चर्स बेसिक्स इकोनॉमिक के लिए इनफ रहेंगे, बट फिर भी साइड बाय साइड आप एनसीईआरटी और साथ में अपनी स्टैंडर्ड्स बुक्स को भी एक बार पढ़ लें। जिसको इकोनॉमिक बिल्कुल नहीं समझ आती है तो मेरे पहले लेक्चर्स देख लें, जैसे कि लेट्स सपोज बैंकिंग सीरीज है तो पहले बैंकिंग के सारे लेक्चर्स देख लो, उसके बाद फिर बुक रेफर करो। मैं आपको यहां पर रॉन्ग गाइडेंस नहीं दूंगा, भले ही चाहे मेरा घाटा हो चाहे कुछ भी हो, मैं आपको हमेशा सच ही बोलूंगा कि इसके अंदर आपको ने बुक जो है जरूर रेफर कर लिया, ठीक है कसर समझ आ रहा है, फिर धीरे धीरे इसको बुक्स में भी थोड़ा सा पढ़ो। क्यों? क्योंकि बुक्स पढ़ेंगे तो एक आपको वास्ट एंगल भी मिल सकता है, जो शायद हो सकता है मैं सारी चीजें कवर ना करा पाऊं, पर मैक्सिमम चीजें 99.9% में चीजें कवर कराऊंगा। बट फिर भी आप जो है कोई भी बुक को जरूर रेफर कीजिएगा, बुक को इग्नोर कभी भी मत कीजिएगा। तो ये सब चीजें थी, बाकी फॉर द प्रीलिम्स ऑफ द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं कह सकता हूं इनफ होते हैं। ये अभी जो टारगेट हमारा चल रहा है वो अभी हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चल रहा है कि प्रीलिम्स अभी ये सब लेक्चर्स, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर गुणवत्ता की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक रिकैप देखेंगे छोटा सा और फिर हमारा बैंकिंग का एक मेजर पोर्शन जो टेक्निकल टर्म्स टाइप की चीजें वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो के अंदर गाइज, और कुछ ही घंटों के बाद दूसरी वीडियो भी हम डालेंगे बैक टू बैक। तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।